अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। इससे पहले हमने नेटवर्क के सारे टॉपिक को कवर किया है। नेटवर्क आर्किटेक्चर ये एक लेआउट है जो हमें ये बताएगा कि कंप्यूटर किस तरह से अरेंज हुए हैं और किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का लेआउट है या अदर डिवाइसेज इन द नेटवर्क, नेटवर्क में एंड हाउ दे कम्युनिकेट और किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमने नेटवर्क की क्या एग्जांपल पढ़ी थी, एक डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि नेटवर्क से मुराद दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों और वो डाटा ट्रांसफर कर सके, यानी कम्युनिकेट कर सके। और नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि वो जो कंप्यूटर या दूसरी डिवाइसेस कनेक्टेड है कंप्यूटर में, वो किस तरह से अरेंज हुई हैं, किस तरह से वो कनेक्टेड हुई हैं और किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रही हैं। इसी बुनियाद पर इसके दो आगे टाइप्स है, एक क्लाइंट सर्वर है और एक पेयर टू पेयर है। सबसे पहले हम पेयर टू पेयर नेटवर्क पढ़ते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं होता, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और इक्वल एक्सेस रखते हैं। इसमें ना कोई सर्वर है जो कि क्लाइंट, ना कोई क्लाइंट है, बल्कि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। पेयर टू पेयर इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव नेटवर्क, यानी ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और सिंपल भी है। कॉस्टली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सर्वर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर ज्यादा महंगे होते हैं। इट नॉर्मली कनेक्ट लेस देन 10 कंप्यूटर, इसमें हम 10 से कम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत ही थोड़े कंप्यूटर को हम कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये छोटी सतह पर इस्तेमाल होगा। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन शेयर हार्डवेयर डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को, डाटा को, हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं इस नेटवर्क में। ईच कंप्यूटर स्टोर फाइल ऑन इट्स ओन स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं, कोई सेंट्रलाइज एरिया नहीं है जहाँ पर डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर हो, बल्कि हर कंप्यूटर अपनी ही स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा या कंप्यूटर की फाइल्स को स्टोर करता है। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल ऑन ऑल कंप्यूटर, तमाम कंप्यूटर पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती हैं। एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन यूज द रिसोर्स ऑफ एनी अदर कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क, कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज पर इक्वल एक्सेस रखता है, यानी उसको एक्सेस कर सकता है हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड होम यूजर, यानी ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज बिजनेस में ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें इसमें सिक्योरिटी थ्रेड भी होता है, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। एडवांटेजेस देखते हैं, इट इज इजी टू सेटअप, क्योंकि 10 से कम आपस में वो कनेक्ट करने हैं कंप्यूटर, तो सेटअप करना भी इजी है, मेंटेन रखना भी इजी है। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर इसमें कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर, अगर आपने 10 या 10 से कम कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है तो आपको कोई जरूरत नहीं आप सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल करें और ज्यादा पैसे लगाएं, बल्कि आप पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चर पढ़ा था हमने कि ये देखें कि कैसे कम्युनिकेट करें, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा, इनकी अरेंजमेंट कैसे है, ये 10 या 10 से कम अरेंजमेंट है इनकी। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, हैवी यूज कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, यानी बहुत ज्यादा अगर यूज आ जाता है तो इससे नेटवर्क की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल आर स्टोर एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क, ये सिक्योरिटी लेस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि जो फाइल है वो डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर है, कोई एक सेंट्रलाइज जगह पर स्टोर नहीं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इस बात का वही मतलब है। दूसरी टाइप है इसकी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर इज अ नेटवर्क इन विच वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज अ सर्वर। अब इसकी वर्किंग चेक करना कि दो या दो से ज्यादा या एक जो कंप्यूटर है वो सर्वर के तौर पर काम कर रहे हैं जबकि दूसरे कंप्यूटर क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी इनमें अब डिफरेंस आ जाएगा कि क्लाइंट से क्लाइंट जो है वो क्या काम कर रहे हैं और सर्वर क्या काम कर रहे हैं। इसमें एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर है और बाकी जितने कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो एज अ क्लाइंट काम करते हैं। अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड विद द सर्वर। अब जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है, क्यों? टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज तक अगर आपने एक्सेस लेनी है क्लाइंट ने तो वो पहले किसके साथ कनेक्टेड है, सर्वर के साथ। जबकि पीयर टू पीयर में ऐसा कुछ नहीं था, हर कंप्यूटर इक्वल एक्सेस रखता था दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज की। लेकिन अब जो क्लाइंट और सर्वर में देखते हैं हम, इसमें क्लाइंट कनेक्टेड है सर्वर के साथ और सर्विस उनको आगे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज, यानी सबसे पहले तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर फिर चेक करेगा कि वो रिसोर्सेज फ्री है,
फिर वो रिसोर्सेज क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। इस तरह से जो मैनेजमेंट है नेटवर्क की वो बहुत अच्छे से होती है। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर। द क्लाइंट कंप्यूटर इज लेस पावरफुल देन सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है देन क्लाइंट कंप्यूटर। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर क्लाइंट। जो क्लाइंट है उनके लिए जो सर्वर कंप्यूटर है वो सर्विसेज देता है। जिस तरह के मैं इस वक्त आपको क्या सर्विस दे रही हूँ, टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ। तो जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मुख्य सर्विसेज मिलती है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो वगैरह, हमारी ये सर्विस है। इसी तरह से जो सर्वर कंप्यूटर है वो भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर इज आल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर, या आपका MCQs है, इसको हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। इट कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम डाटा इन्फॉर्मेशन। सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया का ये मतलब है कि जितना भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो एक ही जगह पर स्टोर होगी और तमाम कंप्यूटर वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने नेटवर्क के एडवांटेजेस में पढ़ा था सेंट्रलाइज के बारे में, बिल्कुल वही कंसेप्ट है इधर। आगे हम चलते हैं इसके, अब हम एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। पहले ये आप डायग्राम को जरा समझ लें कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में काम हो कैसे रहा है। ये है आपका कंप्यूटर यानी आपका क्लाइंट, और ये है आपका कंप्यूटर भी यानी सर्वर। ये भी डिवाइस है और ये भी डिवाइस है, और ये जैसे इसको किसी रिसोर्स की जरूरत है तो क्लाइंट सर्वर जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर को, जबकि पीयर टू पीयर में ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो जिसकी वजह से उसने पहले सर्वर को कहना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, फिर सर्वर वो चेक करेगा रिसोर्स को और फिर वो रिसोर्स इस क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। इसमें काम कुछ इस तरह से होता है। और अब इसके हम एडवांटेजेस पे जाते हैं, बेनिफिट पे जाते हैं। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, यानी अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस एक ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रही हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सर्वर कंप्यूटर प्रॉब्लम को मैनेज कर लेता है। इसलिए ये रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पांस टू क्लाइंट, क्लाइंट को ये ज्यादा तेजी से रिस्पांस करता है। इट कैन यूज लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज डन बाय द सर्वर कंप्यूटर। जब ज्यादा प्रोसेसिंग सर्वर कंप्यूटर डन कर देता है, इसके बिना पर हम इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो लेस पावरफुल यूज कर सकते हैं। आगे हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेजेस। इट इज एक्सपेंसिव मॉडल, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि हम इसमें सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन, जैसे ही सर्वर स्टॉप कर देता है वर्किंग तो सारे का सारा नेटवर्क ही स्टॉप हो जाएगा। अब हम दोनों में जरा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। यानी पीयर टू पीयर में तमाम कंप्यूटर आपस में इक्वल एक्सेस रखते हैं और आपस में इक्वली कनेक्टेड हैं, और इसमें कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, और हम उसको उस वक्त यूज करते हैं जब स्मॉल बिजनेस हो या होम यूजर के लिए, ताकि 10 या 10 से कम जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट करवा दें और वहां पर हमें कोई महंगा सर्वर रखने की जरूरत नहीं होती जिसकी वजह से वो इनएक्सपेंसिव है। जबकि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में क्लाइंट भी होते हैं और सर्वर भी होते हैं। क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को कि उन्हें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और सर्वर वो है जो वो रिक्वेस्ट की बिना पर रिसोर्सेज मुहैया करते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर का था कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ब्राय मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया है तो इसको शेयर करें और दूसरी डिवाइसेस से करवाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।